गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री, सम स्पेशल टाइप क्वेश्चन विच आर नॉट अवेलेबल इन बालाजी, इट अवेलेबल इन बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा एंड एन सी आर टी ऑल्सो। सो क्वेश्चन इज, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 25। This point makes this question a special category. So, यहाँ पर हम discuss करना जा रहे हैं कि ये triangle है जिसमें आप ए बी सी इसको नाम दे दीजिए A, इसमें कह रहा B 90 degree है, B को 90 degree दिखाना जरूरी है, A और C को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे आपको ए बी बराबर 5 पता है, ठीक है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो इसको जो है आप कर लीजिएगा, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है 5 दिया है, आप चाहो तो बी को इधर कर लेना, ए को इधर, ऐसा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू 5 ले लिया, बी सी प्लस ए सी, बेटा देखो ध्यान से, हमें ना तो बी सी पता है ना ए सी पता, लेकिन दोनों का सम क्या है 25, ये पता है। तो आप करोगे क्या, आप करोगे कि अगर हम बी सी ए सी में किसी को, बी सी और ए सी में किसी को यक्स मान लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरी वाली लेंथ क्या होगी। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बी सी को यक्स मान लेता हूँ, तो आप हमको ये बताइए ये 25 कब मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको 25 माइनस यक्स करेंगे इस लेंथ को, ठीक है, तो आप समझिएगा, आप दोनों जोड़ दीजिए, यक्स यक्स कट जाएगा, 25 फिर आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इस लेंथ को यक्स ले रहा हूँ तो वो बेटा क्या होगा, 25 माइनस यक्स होगा, दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए 25 आ जाएगा। और यही कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 25। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, बी सी को एक्स मान ले रहा हूँ और ए सी आपका क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस यक्स, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है जिसमें ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, बी सी क्या है यक्स का स्क्वायर, ए बी क्या है 5 का स्क्वायर। आप जान रहे हैं इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 गुना 50 यक्स हो जाएगा। अब देखो यक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। आप देखो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कटेगा, 50 यक्स उधर ले जाइए, इसको इधर लाएंगे तो ये 600 हो जाएगा। यक्स बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये जीरो कटा, 5 वन जा 5 ट्वेल्व जा, यक्स का मान कितना आ गया 12। अगर ये 12 आ गया, 25 में से 12 सब्सट्रैक्ट कर दोगे बेटा, ये ए सी नहीं निकल आएगी और ये हो जाएगी 25 में से 12 सब्सट्रैक्ट करते ही 13, ठीक है। अब आपसे जो भी चीज़ पूछा है वो पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही टेक्निकल पॉइंट था, इसी को आपको पकड़ना है, ठीक है। अब जैसे साइन ए पता करना है, अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन है और आपकी बालाजी बुक में नहीं है, तो साइन ए अगर पता करना है तो एंगल बेटा ये बन रहा, तो बेस कौन होगा ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपनटेनस ये होगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनटेनस, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपनटेनस 13 है। कॉस ए का पता कर लोगे, ठीक है, बेस अपॉन हाइपनटेनस, बेस 5 है, हाइपनटेनस 13 है, ठीक है। तो आप समझ लोगे अब, ठीक। लेकिन अब ध्यान रखना, जब मुझे सी वाले पता करना है तो बेटा सी पता जब कर रहे होंगे तो सी के लिए ये वाला एंगल होगा, और तब बेटा परपेंडिकुलर की जगह ये कौन होगा बेस, और परपेंडिकुलर फिर कौन होगा ये होगा। बेटा इस चीज़ को ध्यान समझ लेना, जब सी एंगल होगा तो एंगल और 90 जिस पे बनते हैं वो बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, हाइपनटेनस अपनी जगह रहेगा। अब आपसे जब पूछा जा रहा कॉसेक सी, क्या पूछा जा रहा कॉसेक सी, अब कॉसेक सी जब पता करोगे तो आपको पता है साइन सी जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनटेनस, सी वाला ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपनटेनस ये है, तो 5/13, लेकिन वो साइन सी है, कॉसिक उसका उल्टा, यानी कि 5/13 है, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझे, सेक सी चाहिए, ठीक है। तो
आपको पता है कॉस सी क्या हो जाएगा इसके लिए, सी के लिए कॉस सी बेस अपॉन हाइपनटेनस, बेस क्या है 12 है, हाइपनटेनस क्या है 13 है, इसका जस्ट उल्टा 13 अपॉन 12, ठीक है। तो ये आपके आंसर है। अब आ जाओ इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वाला डिस्कस कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी तरह है, आप खुद सोचना है कैसे क्या करना है, तो इसके लिए हम आ रहे हैं, थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं, आपको करना भी है। पहले देखिए ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक। ट्राइंगल में क्या खास बात यह है कि एंगल बी जो है वो बेटा क्या है 90 डिग्री है, ठीक। एंगल बी 90 डिग्री है, फिर हमसे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 7, तो ए बी इक्वल टू 7, आप ये चीज़ बेटा इधर भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कंडीशन ये दे रखा है कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, बेटा अगर ए सी हाइपन टेनस है तो ए सी की वैल्यू 100% ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी तुलना में बी सी, ठीक। तो मैं बी सी को अगर यक्स मान लूँ, ठीक है, तो इसका डिफरेंस आप खुद सोचो, ए सी माइनस बी सी चाहिए जिसमें से बी सी आप यक्स मान चुके हो, तो इसका डिफरेंस बेटा 1 कब आएगा, जब आप कहोगे कि ये जो है 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस एक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है, यक्स से यक्स कटेगा, ठीक है। और इसी को आप चाहो तो यक्स प्लस 1 लिख लो, कोई बात नहीं, यक्स से यक्स कटेगा 1 ही तो मिलेगा, तो यहाँ पर यानी बेटा ये क्या लिखना पड़ेगा, यक्स प्लस 1, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही हाइपनटेनस, ठीक है, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आप जान रहे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49, ये से ये कट जाएगा, 2x है ये इधर जाएगा बेटा 48 होगा, x बराबर 24, इतना आप समझ चुके हो, यानी x अगर 24 है तो बेटा x प्लस 1 क्या हो जाएगा 25। तो अब आगे क्या करना है आप समझ रहे हैं, ए वाला तो समझ रहे हो, ये आप क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपनटेनस है ही, तो साइन ए जैसे मुझे पता करना है, तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनटेनस, परपेंडिकुलर 24, हाइपनटेनस 25, ठीक है। इसी तरह से कॉस ए पता करना है, तो बेस अपॉन हाइपनटेनस, बेस 7 है, हाइपनटेनस क्या है 25 है, ठीक है बेटा। लेकिन जब सी वाला होगा तो अब ध्यान से सुनिएगा, सी वाला एंगल हो जाने पे बेस बेटा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपनटेनस और सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपनटेनस। अब देखिए साइन सी चाहिए, ठीक है बेटा, साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनटेनस, परपेंडिकुलर अब कौन है ये है, ये हो जाएगा हाइपनटेनस 25। फिर इसी तरह से कॉस सी, कॉस सी के लिए क्या करोगे, कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपनटेनस, बेस क्या है 24, हाइपनटेनस क्या है 25। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं कहीं से फील होगा कि कोई टॉपिक कहीं से छूट गया, तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है जिसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए, जिससे हम मोटिवेशन पाएँ और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।